बुलडोजर चलेबा साहस तो निश्चित दरकार कारण मुल्ला मुलायम सिंह और तंको पु अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थिबा बेले जा हेई पार नथिला कास्ट क्याश एवं क्राइम रो कॉकटेल यूपी राजनीति रे जो माफियागिरी लगाम लागी पर नथिला सेमन को बेकर लगाम लगेबा को सक्षम होइछन्ती योगी आदित्यनाथ तेब यूपी रे सिना पूर्वतन मुख्यमंत्री अखिलेश को साहस कथा पचारिछन्ती वर्तमान मुख्यमंत्री थिबा योगी आदित्यनाथ हेले हिमाचल प्रदेश रे वर्तमान रो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुकु को साहस कथा कहिछन्ती जयराम ठाकुर कहीं के देखते रिपोर्ट। अगर आप गरीबी रेखा के नीचे हो, आपके बैंक अकाउंट में हर साल 1,00,000 रुपया 8,500 रुपया महीने का खटाखट 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 आता रहेगा। इन्होंने 22 अरबपति बनाए, अब हमें भी काम करना है। हम करोड़ों लाखपति बनाने जा रहे हैं। 5 जुलाई, 5 अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, थका थक अंदर। और मैं कहूंगा कि अगर आप लोगों ने ज्यादा बोला, हम उसको दुगना कर देंगे। ठका ठक खटाखट खटाखट गला लोकसभा निर्वाचन रे बेस चर्चा रे थिला ए दुईटी शब्द, कारण कांग्रेस प्रतिश्रुति देखला जदि हाथ को भोट देव तेरे बैंक अकाउंट को ठकाठक टंका आसीबो खटाखट टंका आसीबो। राहुल गांधी का परे लालूंकर लाल तेजस्वी को मुहरु भी सुनिबा को मिलिथला ए सम्मान कथा। आप लोगों से इतना कहेंगे, मिजाज रखिए टनाटन टनाटन टनाटन, नौकरी मिलेगा फटाफट फटाफट फटाफट, बहनों के खाते में 1,00,000 रुपया जाएगा खटाखट 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 ठकाठक प्रतिश्रुति सत्वे लोकसभा निर्वाचन रे 99 ऑल आउट होइथिला कांग्रेस। सरकार गढ़ीबा को अंटा भिड़ी मैजिक नंबर भी छुई पारिला नाही इंडिया मेंट। हेले जेउ कांग्रेस हिमाचल प्रदेश रे सरकार रे चली सेठारे हाल बेहाल हेबार लागी। देखिए आम तौर पर क्या हर बार पहली तारीख को कर्मचारी को पेंशनर को उसकी सैलरी मिल जाया करती थी, लेकिन ये मुझे भी 34-35 साल की सर्विस हो गई है, ये पहली बार हमने देखा कि अभी तक सैलरी लोगों के खाते में नहीं आई है। हर भाइयों की समस्या, शिमला में कोई खाला जी का बाड़ा नहीं है, शिमला में जो नौकरी करता है वही जानता है कैसे कैसे बुरा करना, ऊपरी मंजिल से मकान मार्ग देखता है, दरवाजे से दूध वाला देखता है। कि अगर पहले थोड़ा सा भी पता हो कि इस फर्स्ट को आपकी सैलरी नहीं आएगी तो कोई इंतजाम करेगा, कुछ ना कुछ तो कुछ करेगा, चाहे उधार लेगा कुछ भी लेगा। 1 तारीख रे सरकारी कर्मचारी को दरमा मिलवा कथा, हेले 4 तारीख जाए 5 तारीख आसला, किंतु 2 लक्ष सरकारी कर्मचारी एवं 4 लक्ष पेंशनधारी खाता को टंका आसिल, कारण हिमाचल प्रदेश सरकार का पाखरे टंका नहीं। एणिकी 1 तारीख बदल रे 5 तारीख रे दरमा एवं 10 तारीख रे पेंशन देबे हिमाचल प्रदेश सरकार, कारण कि इन सैलरी और पेंशन को देने के लिए हम बाजार से 7.5% पर ऋण उठाते हैं, यानी कि 2,000 करोड़ रुपए मेरा हम 7.5% पर ऋण उठाते हैं, क्योंकि जो हमारी ट्रेजरी होती है उस ट्रेजरी में कई खर्चे निकलते रहते हैं, 2,000 करोड़ पहली तारीख तक नहीं होता। एथिपाई मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खु पूर्वतन बीजेपी सरकार को दायी करथिबा बेले पूर्वतन मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर कहिछंती सरकार चलेबा को साहस दरकार, अभिजोग कले चलिबनी। हिमाचल प्रदेश की 75 लाख जनता को हम बताना चाहते कि वित्तीय कुप्रबंधन क्यों हुआ और कैसे डबल इंजन की सरकार ने जनता के खजाने को लुटा दिया, बिजली माफ कर दी, पानी माफ कर दिया, 600 के करीब शिक्षा संस्थान और स्वास्थ्य संस्थान खोल दिए, इन सब चीजों को अगर वो चर्चा लाएंगे, नहीं लाएंगे तो हमारे द्वारा चर्चा लाई जाएगी और हम जनता को बताना चाहते हैं, हम जनता को जागरूक करना चाहते हैं। दोष पीछे की सरकार को देना, दोष केंद्र की सरकार को देना, मुख्यमंत्री आप हैं, आज जिम्मेवारी आपकी है, आप जिम्मेवारी से नहीं बच सकते। ये बार बार हर बात को लेकर के बहाना निकाल करके बहाना बना करके रास्ता निकालने की कोशिश करना, ये आप प्रदेश की जनता आपको जो है वो ना सुनने के लिए तैयार है ना मानने के लिए तैयार है। आप मुख्यमंत्री हैं, आप जिम्मेदार हैं, आपकी जिम्मेवारी है
प्रदेश के कर्मचारियों को समय पर सैलरी मिले। सुखविंदर कर कहबा कथा पूर्वतन बीजेपी सरकार लोकों को कर छाड़ करबा सहित स्कूल कॉलेज खोलिबारु राज्य राजकोष खाली होई जाइछि। तेणु केन्द्र सरकार 6 तारीख रे रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट एवं 10 तारीख रे शेयर इंसेंटिव टैक्स देबा परे दरमा देबे हिमाचल प्रदेश सरकार। किंतु जेउ सुखुएबे पूर्वतन सरकार एवं केन्द्र को काठगड़ा रे ठिया करछंती से बोधे भूली जाइछंती जे तांको दल कांग्रेस 10-10 महालिया थोप पकाई हिमाचल प्रदेश दखल करिछि। से माळमाळ कैबिनेट पाहार अध्यक्ष को नियुक्ति दैछंती। फाइनेंस डिसिप्लिन की बात अगर मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं तब कर रहे हैं जब जो है वो भैंस चले गई है पूंछ पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। 2 साल का कार्यकाल आपका पूरा होने जा रहा है और 2 साल के कार्यकाल में आपको नहीं लगा कि मैं सीपीएस नहीं बनाऊं, मैं कैबिनेट के दर्जे के साथ चेयरमैन नहीं बनाऊं। देखिए जहां जहां कांग्रेस सत्ता में आई वहां वहां कांग्रेस लूट कंगाली और बर्बादी लाई। कर्नाटका हो या हिमाचल हो, ये जहां भी कांग्रेस नाम की एक प्रकार से मैं कहूंगा फाइनेंशियल बीमारी आ जाती है तो ये प्रदेश को पूरी तरह से कंगाल कर देती है। सैया नहीं तो आउ कौन, बीजेपी सरकार स्कूल खोलिबा भूल किंतु कांग्रेस सरकार माळमाळ अधिकारी को नियुक्ति देबा ठीक, निर्वाचन बेले 10 ग्यारंटी दे क्षमता दखल करिबा ठीक, राज्य राजकोषर अर्थ खाली होइगले पूर्वतन सरकार भूल आ विडम्बना केमिति देखंतु। जेउ मुख्यमंत्री पूर्वतन सरकार मुंडरे अठावळी खसिबाकु चेष्टा करछन्ति एमिति देपालिया परिस्थिति रे से राज्यवासींकु सुनेली स्वप्न देखाउछन्ति। दृढ़ निश्चय से और जिस इच्छा शक्ति से हम आगे बढ़ रहे हैं इस स्थिति पर हम आने वाले वित्तीय वर्ष में काबू पाने की पूरी कोशिश करेंगे और 2027 तक हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने में प्रयास हमारे सफल होंगे। यही मैं बार बार कहता हूं और 2032 तक हिमाचल प्रदेश को समृद्धशाली और अमीर राज्य बनाने में कोई रोक नहीं सकता, लेकिन उससे पहले हमको इसके फैसले करने हैं। 2027 से सुधा आत्मनिर्भरशील हेबो हिमाचल एवं 2032 से सुधा समृद्ध हेबो हिमाचल प्रदेश। जो हिमाचल प्रदेश उपरे बे ऋण भार प्राय 94,000 कोटी टंका जहाँ को हालका करिबा पे मुख्यमंत्री एवं तांको कैबिनेट मंत्री माने 2 मासर दरमा एबे नेबे नाही बोली कहउछंती। प्रदेश की भीषण वित्तीय परिस्थिति के दृष्टिगत मंत्रिमंडल में चर्चा करने के बाद सभी मंत्रिमंडल वाले के सदस्यों ने यह तय किया कि जब तक प्रदेश की आने वाले समय में जो सुधार और अच्छा नजर आता है 2 महीने तक ना पे लेंगे ना टीए लेंगे ना डीए लेंगे। एबे नेबेनी किंतु आर्थिक स्थिति सुधरीबा परे दरमा नेबे। तेणु हिमाचल प्रदेश रो आर्थिक बोझ भार केमिति कमिबो, केमिति हिमाचल को समृद्ध राज्य भाबरे गढ़ी तोलिबे सुखु सरकार जे माळमाळ प्रतिश्रुति दे क्षमता को आसीथिले किंतु राज्य राजकोष खाली हेबा परे पूर्वतर सरकार मुंडरे दोष लदुछंती। तेणु तो जयराम ठाकुर कर जुक्ति ठीक लागुछि, सरकार चलेबा पई साहस दरकार, केवल प्रतिश्रुति किंबा अभिजोग रे काम चलिबनी। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 13। इतिहास प्रथम थर पर 1 तारीख में दरमा और पेंशन देवा सक्षम हो पारिनाहांती हिमाचल प्रदेश सरकार। तब हिमाचल सरकार को परे ऋण भार कथा जदि कहिबा एबे मोट 94,000 कोटी टंकार ऋण रही जहाँ 2025 सुधा 1,00,000 कोटी पहुँचवार संभावना रही जहाँ को नहीं कांग्रेस बीजेपी मुहांमुही। तेज 2012 मसीह जदि ऋण भार देखा 2012 कांग्रेस वीरभद्र सिंह मुख्यमंत्री होते से ऋण भार था 28,229 कोटी किंतु 5 वर्ष कार्यकाल सरु सरु 47,244 कोटी पहुंची जाता अर्थात 19,000 कोटी ऋण बढ़ाई वीरभद्र सरकार। डिसेंबर 2017 बीजेपी जयराम ठाकुर को मुख्यमंत्री होते 2022 बेलू ऋण भार 73,541 कोटी पहुंची बीजेपी सरकार समय 26,000 कोटी ऋण भार बढ़ी था। डिसेंबर 2022 मुख्यमंत्री होते सुखविंदर सिंह सुक्खु जहाँ 2 वर्ष कार्यकाल भितर अर्थात मार्च 2024 सुधा हिमाचल ऋण भार 94,992 कोटी पहुंची मात्र 2 वर्ष भितर सुक्खु सरकार ऋण नहीं 21,000 कोटी।